हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने सिवैयाँ बनाई है और थोड़ा सा डिफरेंट है वो। मैंने कैरामिल से बनाई है, जो घर पर ही मैंने बनाया है। जो रेडीमेड कैरामिल शुगर मिलती है उससे नहीं, कैरामिल मैंने घर पर ही बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, आप आसानी से बना सकते हैं ये कैरामिल सेवैयाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने इसके लिए 1 लीटर दूध बॉइल के लिए रख दिया है। हम फर्स्ट इसको सिवैयों को अच्छे से भून लेंगे। चलिए, मैं एक पैन में सिवैयों को डाल दिया है। लगभग 2 मुट्ठी सिवैयाँ हैं ये। थोड़ा सा उसमें मैं घी ऐड कर दूंगी। घी ऐड कर इसे अच्छे से थोड़ा भून लूंगी। लो फ्लेम पर इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। थोड़ा सा ये लाइट हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इन्हें लाइट ब्राउन करना है। लाइट गोल्डन हो जाए बस मैं निकाल लूँगी इन्हें। आप सेवैयों की खीर नहीं बनाना चाहते तो आप चावल की भी बना सकते हैं। डायरेक्ट दूध में आप चावल डालकर बॉईल कर सकते हैं, ऐसे भी खीर बनती है। मैं आज ये सेवैयों की खीर बना रही हूँ, जो कैरामिल डालकर बनाती हूँ। मैं आपको कैरामिल बनाना भी इसके बाद बताऊँगी। हमारा उधर साइड में दूध बॉईल हो रहा है, तब तक मैं ये तैयारी कर रही हूँ। देखिए, लो फ्लेम पर मैं अच्छे से इन्हें भून रही हूँ और थोड़ा कलर आ जाए तो मैं निकाल लूँगी। देखिए, अब ये लाइट से हो चुकी है, पूरा हमें लाल नहीं करना है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए, मैंने इतना इन्हें घी में थोड़ा सा भून लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। मैंने कैरामिल बनाने के लिए 1 कटोरी शक्कर ली है, जो हमारे दूध को, जो सेवैयों को लगती है, मैंने उतनी ही ली है। अगर आपका थोड़ा सा ये कैरामिल डालने बाद अगर कम हो जाए तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। 1 कटोरी शक्कर ली थी, बस 3-4 टीस्पून जितना मैं इसमें पानी डाल लूँगी और इसे अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है शक्कर को, वरना नीचे वो चिपक जाएगी और जल जाएगी। देखिए, चीनी को मैं ऐसे ही चलाते रहूँगी जब तक कि थोड़ा सा लाइट गोल्डन ना हो जाए। थोड़ा सा हमें करना है, डार्क नहीं करना है, वरना हमारी सेवैयाँ कड़वी हो जाएगी। देखिए, अब हमारा कैरामिल बन चुका है। बहुत हमें डार्क कलर नहीं करना है, वरना ये कड़वा हो जाएगा। बस इतना ही, लो फ्लेम पर मैंने इसे पका लिया है। अब बस इसमें पानी डाल देंगे। देखिए कैसे हो रहा है। अभी वो पानी जब डालते हैं तो थोड़ा सा थिक हो जाता है, फिर हम लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए पकाएंगे तो ये अच्छे से कैरामिल हो जाएगा, हमारा रेडी हो जाएगा। और थोड़ा इसे पकाऊंगी। देखिए, हमारा कैरामिल अब रेडी हो चुका है। बस हमें अब फ्लेम को ऑफ कर लेना है। देखिए, हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने सिवैयों को थोड़ा सा भून लिया था वो इसमें डाल दूंगी। अच्छे से मैं चम्मच को हिलाती रहूंगी। हमें इसमें अभी चीनी नहीं डालनी है जब तक ये सिवैयाँ अच्छे से पक नहीं जाती। देखिए, और थोड़ा ये होना है, अभी पूरा गली नहीं है ये। जब तक ये अच्छे से गल जाती है तब हम उसमें जो शक्कर से कैरामिल बनाया था वो ये गलने बाद हम डालेंगे। अभी डाल देंगे तो ये हमारी सेवैयाँ नहीं गलेंगी। अभी मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, काजू बादाम, आप जो चाहे इसमें डाल सकते हैं। हमें इसे कुछ भी भूनना नहीं है, बस ऐसे ही डाल देना है। देखिए, अच्छे से मैं चलाते हुए इन्हें पका रही हूँ। देखेंगे, हम चेक करेंगे हमारी सिवैयाँ हुई है या नहीं। देखिए, ये अच्छे से पक चुकी है, अभी ये रेडी हो गई है। तो मैं इसमें कैरामिल डाल दूंगी, जो मैंने कैरामिल बना कर रखा था वो सारा इसमें डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, हमारे सिवैयों का कलर अच्छे से आ गया है, दूध का कलर भी अब चेंज हो चुका है। मैं 2 इलायची इसमें थोड़ा सा दरदरा पीस कर डालूंगी। देखिए, ये हो चुकी है। अब हमें तो बस थोड़ा ही इन्हें
पकाना है और मैं गैस को ऑफ कर लूँगी। इसे हमें कुछ भी और नहीं डालना है। आप चाहे तो मिल्क मेड वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अच्छा गाढ़ा सा दूध लिया था, उसी में सेवइयाँ बनाई हैं और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने पहले ही उसमें डाल दिया। बस ये ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएंगी। हमारी कैरेमिल सेवइयाँ बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारी कैरेमिल सेवइयाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं और बहुत मज़ेदार लग रही हैं। आप भी ये रेसिपी घर पर बनाइए और कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बनाना बताई हूँ, आप भी आसानी से ये बना सकते हैं। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।